मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में आप अपनी मालिश करवाना चाहती हैं या करवा रही हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जी हाँ, मोस्टली हम इस बात को जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद मीन्स डिलीवरी के बाद जब हमारा बेबी हो जाता है हम उस टाइम अपनी मसाज करवाते हैं, बॉडी मसाज करवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एक माँ के लिए। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में आप कैसे मसाज करवाएं, क्या इससे हमारे बच्चे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जब हम मीन्स हमारा जो टाइम चल रहा है प्रेगनेंसी का, उस टाइम हमें कब से ये स्टार्ट करनी चाहिए मसाज, और कौन कौन से हमें पार्ट्स जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी हम मसाज करें जिससे कि हम रिलैक्स फील करें और हमारे बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जब आपका फर्स्ट मंथ पास आउट हो जाए, मीन्स प्रेगनेंसी का आपका पहला मंथ पास आउट हो जाए, निकल जाए, उसके बाद आप आराम से अपनी मसाज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि पहले मंथ से नहीं कर सकते, लेकिन बेटर वही रहता है एक माँ के लिए कि वो सेकंड मंथ से स्टार्ट करे, क्योंकि फर्स्ट मंथ में क्या होता है कि हम कंसीव किए तब हमें टाइम चल ही रहा होता है और उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर ही रहे होते हैं कि हाँ हम प्रेग्नेंट हैं, लेकिन एक महीना पास हो जाने के बाद हमें रिलैक्स रहता है और हम हर चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सेकेंड मंथ सबसे बेटर रहता है अपनी बॉडी मसाज स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं फर्स्ट मंथ से लेकर नाइन्थ मंथ तक, जैसे किसी ने में जलन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, स्वेलिंग आ जाना, बहुत ज़्यादा खुजली होने स्टार्ट हो जाती है, पैर सूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, हमें वॉमिट फील होती हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, स्पेशली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि हमारे बेबी गर्ल होगी, बेबी बॉय होगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए प्रेगनेंसी में, डिलीवरी में, तो ये बहुत सारे तनाव स्ट्रेस हमारे माइंड में चल रही होती हैं। तो वहीं हमको रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छा होता है बॉडी मसाज करवाना, जो कि माँ को तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता ही है लेकिन साथ साथ बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको कौन से बॉडी पार्ट की मसाज करनी है, तो देखिए पीठ और पैर, पीठ और पैर सबसे ज़्यादा जो मसाज के लिए अच्छे रहते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी को हमें रिलैक्स करते हैं। तो जब आपका स्टार्टिंग टाइम है, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम में उस टाइम आप आराम से अपनी पीठ के बैठकर आप आराम से कंफर्टेबल रहिए और बैठकर आराम से अपनी मसाज करवा सकते हैं। ठीक है, आराम से कोई एक अच्छा सा स्टूल चेयर ऐसी ले लीजिए जिसमें कि आप कंफर्टेबल रहें और आपके टमी पर, आपके बेबी पर उसका प्रेशर नहीं पड़े। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपके पेट पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, मसाज आपको दूसरे पर्सन से ही करवानी पड़ेगी, आप अपने फैमिली मेम्बर से किसी से भी करवा लीजिए, क्योंकि बैक की मसाज आप खुद नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो आप यह शोल्डर से लेकर अपनी बैक बोन पीछे आराम से मसाज को इस तरीके से अपने शोल्डर से ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस तरीके से पूरा आप यहाँ से अपना नीचे हिप्स तक ले जाइए, इस तरीके से आप ऊपर मालिश लगा के और इस तरह से जैसे आप बच्चे की करते हो उस तरीके से आप मसाज करवाइए, शोल्डर्स की करवाइए। ठीक है, तो आपका जो तनाव है यहाँ से आप अपने नेक से लीजिए, तो आपका जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा, आप जो भी सोच रहे हो एंजाइटी है या और वो कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत रिलैक्स रहेगा। ठीक, अब हम करते हैं पैरों की मसाज, पैरों की मसाज भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, आप पैरों की मसाज तलवों पर अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए, आप अपने जो मसाज जो कर रहे हो वो आप नी से लेकर तलवों तक करिए। ठीक है, अपने घुटनों से लेकर तलवों तक करिए, अच्छे से मसाज आप करेंगे तो आपकी देखिए कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, एक तो एंजाइटी जैसे हम दिन भर सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो ख़त्म होगा, तनाव, क्योंकि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जैसे हम मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है,
न्यू जो सेल्स हैं वो डेवलप होती हैं, तो जो हमारा स्ट्रेस है, जो तनाव है, एंजाइटी है, वो अपने आप ही रिलीज़ हो जाती है, ख़त्म होने लगती है और हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। जो बॉडी हमारी अकड़ी अकड़ी सी रहती है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी महसूस होती है। ठीक है, तो आप अपने जो मसाज करवाएं नी से लेकर या अपने लेग देन आपके फुट, अच्छे से उनको मसाज करते रहें, टोज को। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पैर का तलवा होता है, हमारी हथेलियाँ, इनमें हमारे सारे क्या होते हैं, एक्यूपॉइंट्स होते हैं, उन पर प्रेशर पड़ता है तो हमारे इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अच्छे रहते हैं, अच्छे अच्छे हार्मोन्स डिवेलप होते हैं, हमारा जो स्ट्रेस को रिलीज जो करता है, मीन्स स्ट्रेस बढ़ाने का एक हार्मोन होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें आराम मिलता है, मीन्स हमें जो स्ट्रेस फील होता है, तनाव फील होता है, उसमें बराबर आप मसाज करोगे तो उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो जब ये सारे पॉइंट्स प्रेस होंगे आपके तलवे के नीचे के, तो आपके इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स है उसमें भी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मसाज करनी। अब आप क्योंकि आपका भी सेकेंड मंथ है, थर्ड मंथ है, फोर्थ मंथ है, तब आप फिर लेट सकते हैं आराम से बैक सपोर्ट, यानी आप आराम से जैसे आप लेटते हैं स्ट्रेट वैसे आप लेट सकते हैं। आप जब भी पेट पर मसाज करवाएं, बहुत ही बस हल्के हल्के तेल से आपको बस मसाज करनी है। मसाज का मतलब ये नहीं है कि आपको रगड़ना है, बस हल्के हल्के हाथों से, बहुत सॉफ्ट हैंड से वो तेल आपको अपनी टम्मी पर धीरे धीरे घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बहुत सॉफ्ट हैंड। बहुत कोई अच्छी जानकार लेडी जो बहुत जैसे होती हैं लेडी जो डिलीवरी वगैरह के लिए जानकारी रखती हैं और मसाज करती हैं आफ्टर डिलीवरी, उन्हीं से ही आपको करवाना है। ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ ले, अगर कोई जानकार नहीं है या आप घर के किसी मेम्बर से करवा रहे हैं तो ये पोर्शन आप किसी से नहीं करवाएं, खुद ऑयल लें और धीरे धीरे अपने टम्मी पर इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मसाज कर सकती हैं। नाभि में ऑयल ज़रूर डालें, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, प्लीज़ उसको आप ज़रूर देखें कि नाभि में ऑयल डालने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो नाभि में भी ऑयलिंग आप करती रहिए। ठीक है, फिर हमारा जो हिप्स वाला एरिया होता है उस पर आप मसाज करिए, तो ऐसे धीरे धीरे कर कर आप अपने सेपरेट पार्ट्स पर मसाज कर सकती हैं। ठीक, नेक, शोल्डर्स, बैक, हिप्स, नीज, लेग्स, देन फुट। आप इसको उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी आप अपने सबसे पहले फुट को भी कर सकती हैं, लेग्स को, नीज को, फिर ऊपर की तरफ, तो आप कैसे भी मसाज कर सकते हैं। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मसाज कर रही है तो उससे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं और हमारा बच्चा भी रिलैक्स होता है, कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होती। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें मल्टीपल प्रॉब्लम से सॉल्यूशन दिलाती है, हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करती है। बहुत ज़्यादा हम परेशान होने लगते हैं, वॉमिट जैसा फील होता है, तनाव रहता है, सीने में जलन रहती है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारी कितनी सारी दिक्कतें होती हैं, तो इन सब में हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। हमारी स्किन है वो हेल्दी रहती है, जो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है पानी की कमी, क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो डिहाइड्रेशन की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है मसाज करना, तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। अब आपको दो तीन बातें याद रखनी है कि जब भी आप अपनी मसाज करवाओ तो बहुत कंफर्टेबल होकर करवाइए, कम से कम आपको आधा घंटा अपनी मसाज करवानी है, ज़्यादा नहीं, डेली आप आधा घंटा अपनी मसाज करवाइए। मसाज जब आप करवा रहे हो तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, कुछ भी सोचिए मत, बहुत ज़्यादा मूवमेंट मत करिए, अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए, तब तो उसका फ़ायदा होगा। लेकिन आप सोच रहे हो, आपका माइंड डाइवर्ट है किसी अदर काम में, तब मसाज का इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो अपनी बॉडी को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, शांत रहिए, जब मसाज करवा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप मूवमेंट ना करें। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। अब आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो सबसे अच्छा देखिए सरसों का ऑयल होता है, ठीक है, सरसों का और जैतून का और कोकोनट का, अगर ये तीनों हैं आपके पास तो मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी सरसों के ऑयल की दूंगी। आप सरसों का ऑयल यूज़ करिए। उसको कैसे आप यूज़ करेंगी कि जब भी आप उससे यूज़ करने वाले हैं उसे कुछ टाइम के लिए, दो तीन दिन के लिए आप सनलाइट में रख दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि सरसों के तेल की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हो आप उसे कुछ टाइम के लिए सनलाइट में छोड़ दीजिए, फिर यूज़ करने से पहले उसे आप हल्का सा गुनगुना गरम कर लीजिए। उसमें आप लहसुन की कलियाँ डालकर गरम कर सकती हैं, तो वो हमारी स्किन से रिलेटेड, जैसे
हमें प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है, इचिंग हो जाती है, तो उन सबको भी ये ख़त्म कर देगा बिल्कुल। तो आप इस तरीके से ऑयल सिलेक्ट कर सकती हो, एग कैसे यूज़ करना वो भी मैंने आपको बता दिया। तो माय डियर मॉमीज, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी, और अगर अच्छी लगी, दी हुई जानकारी आपके लिए अच्छी है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।